हेलो टेंथ क्लास, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड वीडियो ऑन चैप्टर टू ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. वेल, येस्टरडे इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड. ठीक है, एंड हेयर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. वेल, वॉट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? इट कवर्स दोज प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर, नंबर वन, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल दे हैव एश्योर्ड वर्क. ठीक है, आपको जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो रेगुलर भी है और ये एश्योर्ड वर्क है. Means you know what you are doing. ठीक है, suppose there is a person working in the bank, there is a person working as a doctor in the government hospital, so he has the assured work, his employment is regular, permanent. ठीक है, and registered by the government, वो government के सारे rules and regulations he will follow. ठीक है, because there are various laws, मिनिमम वेज एक्ट लॉ है, फैक्ट्री एक्ट है हमारे पास, तो इनके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसकी एक्टिविटीज़ जहां वो काम कर रहा है, एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड देयर, ही हैज़ गॉट एश्योर्ड वर्क, ही इज़ ऑन द रेगुलर पेमेंट, ही नोज हिज टाइमिंग्स कि हाउ मेनी आवर्स ही हैज़ टू वर्क. ठीक है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है ऑर्गेनाइज सेक्टर का. ठीक है, यू नो वट यू आर डूइंग, हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर दैट एक्टिविटी. ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर. इसको ऑर्गेनाइज क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं. वाई? बिकॉज इस इट वर्क्स अंडर सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स. ठीक है, और वर्कर्स को प्रॉपर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मेडिकल हेल्प है, ओल्ड एज पेंशन, सॉरी, जो आफ्टर जॉब जो उनको पेंशन मिलता है, दे कैन हैव प्रोविडेंट फंड, दे कैन मेक ए चॉइस बिटवीन दीज टू. ठीक है, हाउ मेनी हॉलीडेज दे विल बी गेटिंग, व्हाट अदर बेनिफिट्स दे आर गेटिंग, एवरीथिंग इज प्लान्ड अंडर अ फॉर्मल प्रोसेस. सो दिस इज ऑर्गेनाइज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द अदर सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है दैट इज फीचर्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स, और वो भी स्कैटर्ड, बिखरे हुए, और ये गवर्नमेंट कंट्रोल से जनरली बाहर होते हैं. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दीज, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, जॉब परमानेंट नहीं होता, सैलरी बहुत कम होता है, रेगुलर नहीं होता जॉब. ठीक है, वर्कर, अ लेबरर सिटिंग ऑन ए रोड इन सर्च ऑफ ए डेली, जो उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ही इज़ नॉट अश्योर्ड कितने दिनों के लिए मिलेगा, कितना डेली उसको वेजेस के बेस पे मिलेगा, कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सी दिस इज ऑल द अनसर्टनटीज. ठीक है, सो दीज थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन. इसमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं होते, जनरली लो पेड होता है, दिस वर्क, दिस जॉब इज़ नॉट रेगुलर, देर इज़ नो फॉर्मल प्रोसेस, नो फॉर्मल प्रोसीजर, नो अदर बेनिफिट्स. ठीक है, वेरी अनऑर्गेनाइज, मैनी टाइम्स दे हैव टू गो फॉर ओवर टाइम्स, लीव्स नहीं मिलती हैं उनको, पेड लीव्स नहीं मिलती, छुट्टी कर लिया पैसा कट गया. ठीक है, सिकनेस में भी उनको लीव का प्रॉब्लम. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, नाउ द थर्ड कैटेगरी वॉज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. When we talk about on the basis of ownership, we have either public sector or private sector. ठीक है, public sector क्या होता है? इसमें everything is owned by the government. ठीक है, assets government के हैं. ठीक है,
ठीक है, द बेस्ट एंड द रियल एग्जाम्पल इज योर इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज इज अ पब्लिक ओन सेक्टर. इसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका एम प्रॉफिट मेकिंग ना होके सोशल वेलफेयर होता है, एंड दे प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू देयर वर्कर्स. पब्लिक सेक्टर में जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, दे गिव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू देम, जो विच दे डिजर्व टू गेट, जो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है. गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इनको. और प्राइवेट सेक्टर में द ओनरशिप ऑफ एसेट्स भी, वो प्राइवेट सेक्टर में एसेट्स का ओनर कौन है, जो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है वो कौन है, वो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले ओवर हेयर, ठीक है. प्राइवेट कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस हो गया आपका प्राइवेट कंपनी, ठीक है. दीज एंटरप्राइजेज आर मेनली कंसर्न्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव. पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर, एंड इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव. सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूर सेक्टर्स, थ्री क्लासिफिकेशंस यू डिड, एंड अंडर दैट वी रेड अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. सो टिल देन, बाय.